सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर पर। अब दोस्तों 2023 की सबसे बड़ी बिगेस्ट फ्लॉप मूवी अगर कोई हो सकती है तो वो गणपत मूवी हो सकती है, क्योंकि गणपत मूवी का बजट बहुत ही ज्यादा है और इसका कलेक्शन बिल्कुल भी नहीं आया है। आज दोस्तों गणपत मूवी का डे 6 है, तो चलिए आपको बताते हैं कि डे 6 का दिन इसका कलेक्शन कितना आ रहा है और साथ में डे 6 तक की इसकी टोटल कलेक्शन इंडिया से नेट ग्रॉस और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इतनी हो चुकी है। सबसे पहले दोस्तों बता दें, इतनी बड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद, टाइगर श्रॉफ, कृति सनन और साथ में बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन होने के बावजूद भी गणपत मूवी को किसी ने पसंद नहीं किया है। ऑडियंस इस मूवी को देखने ही नहीं जा रही है। जहां पर दोस्तों इसका डे 6 का यानी कि वेडनेसडे का जो कलेक्शन आ रहा है वो इंडिया से नेट कलेक्शन ओनली 1.25 करोड़ का आ रहा है। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी ये हंसी की बात है, लेकिन डे 6 का सिर्फ कलेक्शन 1.25 करोड़ का आ रहा है, जहां इसका ग्रॉस कलेक्शन हमें 2 करोड़ के आसपास होता हुआ नजर आएगा। ओवरसीज से ये आज के दिन ओनली 20 लाख रुपीज यानी कि 20 लाख का कलेक्शन करती हुई नजर आएगी और इसका जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होगा डे 6 में वो 2.2 करोड़ का हमें होता हुआ नजर आएगा। वहीं अगर हम बात करें गणपत मूवी के डे 6 तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इसका टोटल नेट कलेक्शन 11.3 करोड़ का हुआ है, इसका ग्रॉस कलेक्शन 14 करोड़ का हो चुका है। वहीं पर इसका ओवरसीज कलेक्शन 2.2 करोड़ का हो चुका है, ओवरसीज में ये बिल्कुल ही नहीं चली है। साथ में इसका जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो 16.2 करोड़ का हुआ है। अब अगर हम दोस्तों गणपत मूवी के बजट की बात करें तो ऑलमोस्ट 150 से 200 करोड़ के बीच में गणपत मूवी का बजट है, क्योंकि ये एक सुपर हीरो वाली मूवी है। इसमें बहुत ज्यादा VFX CGI का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका बजट 150 करोड़ प्लस है। और 150 करोड़ प्लस वाली मूवी अपने फर्स्ट वीक में 15 करोड़ की भी नेट कलेक्शन नहीं करती है। ये एक बहुत ही ज्यादा दोस्तों गणपत मूवी और स्टार कास्ट डायरेक्टर प्रोड्यूसर के लिए शर्म की बात है। अब आप बताइए, अगर आपने गणपत मूवी देखी है तो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही मूवीज से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर को।